करके अपने कल्याण का मार्ग अपना लेना चाहिए। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, बोले मेरे नाम से नहीं तो कोई गौशाला बनानी, और नहीं कोई मेरे नाम से आश्रम बनना, और नहीं कोई गुरुकुल कॉलेज बनना, कुछ बनना ही नहीं। बोले क्यों महाराज जी, गाय की सेवा तो करनी चाहिए। बोले मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए या करनी चाहिए? गौ माता की सेवा करनी अवश्य करनी, सब लोग करते हैं, गौशाला करनी चाहिए, है ना। आदेश देते थे महाराज जी खूब सेवा करो, लेकिन अपने नाम से नहीं बनाना, इस झंझट में नहीं पड़ना है। बोले कि साधु यदि भगवान का भजन करते हैं और उनकी गौ सेवा महत्वपूर्ण नहीं है, अपना कल्याण करना, अपने आत्मा का उद्धार कल्याण करने का सामर्थ्य उसमें आ जाएगा तो कई जीवों का कल्याण करा देगा और कर देगा। इसलिए परम धर्म है कि अपना उद्धार कैसे हो, हम अपने मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। दूसरों की तो बाद की बात है, पहले अपना कल्याण कैसे होगा ये बात सोचना। अकबर और बीरबल दोनों बैठे थे, अकबर बादशाह ने पूछा बीरबल से, बीरबल हम दोनों यहाँ बैठे हैं और दोनों के दाढ़ी में यदि आग लग जाए तो पहले दाढ़ी किसकी पूजोगे बता। बोले पहले दो चार तो झपटा मारे मारो उन पचथानी बुझाऊ, दोनों के साथ में लग जाएगी आग, पहले मेरी बुझाऊंगा बाद में। तो पहले भाई अपना काम करो, फिर बाद में दूसरों का काम करना। तो अपना काम क्या है? अपना काम है बार बार नर्तन नहीं कर लो अपनों काज। बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, ये मिला है इसलिए अपना काम कर लो। और हम सब क्या करते हैं, दुनिया का दूसरे लोगों का काम करने में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? मकान बना रहे हो दूसरों के लिए बना रहे हो, काम धंधा कर रहे हो दूसरों के लिए कर रहे हो। बोले कैसे महाराज, हमारे लिए कर रहे हो? अरे अभी तो पोता आया ही नहीं है तो भी पोते के लिए धन कर रहे हो। लोग कहते हैं कि नहीं, बोले देख लागो है पोता ना धन करने बात है, और पोता अभी तक आया ही नहीं है, पता नहीं पोता आएगा पोती आएगी, पता नहीं गोता देने वाला आएगा, भगवान जाने। लेकिन लगा रहता बस रात और दिन उसी चक्र में, तो अपने लिए कहाँ किया। मकान में भी दूसरे रहेंगे, धन संपत्ति भी अपने काम आनी नहीं, वो भी और किसी के काम आएगी, कमाते तो अपने हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जितने अमीर लोग हैं उन अमीर लोगों को अमीर किसने बनाया? गरीब लोगों ने बनाया। ये गरीब लोगों की मेहरबानी है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हें अमीर कहते हैं लोग, स्वामी जी महाराज ये कहते थे। बोले कैसे महाराज वो? बोले पैसा तो हाथ का मेल है, मेल कैसे है? बोले कि जो आया है तो उसको साथ में तो ले जा नहीं सकते, तो किसी न किसी को देना ही पड़ता है, उससे ही काम चलता है। तो अपने लिए काम करना वही समझदारी है। और अपना काम क्या है? शरीर से संसार की सेवा करो। स्वामी शरणानंद जी महाराज, शरीर से संसार की सेवा करनी है और अपने मन को, अपने आप को भगवान के चरणों में लगाना है। पैसा खन वह तो कोई लूट भी सके है, भी समस्या है, बारे जाओ कटे तो लेन तो समस्या है कि नहीं, डर लागे कि कोई लूट ले ला बीचे। लेकिन ज्ञान ने कोई लूट सके है कहीं? दान करियोड़े वो कोई लूट सके है कहीं? आपने जो कि कंठे विद्या है बिना कोई लूट सके है कहीं? भजन गावन वाला ध्यान को निराके पुस्तक लारे भूल गया वे तो बोला बे अब गाँव कहीं, और यदि कंठे वे तो कि कौन भूले, तुरंत याद आई रो काम ने उड़ियो बढ़िया एकदम अच्छे से। भरोसे कि नहीं नहीं रहो इन बात है, न तो संसार के भरोसे नहीं किसी परिजनों के भरोसे रहना है। बार बार नर्तन नहीं कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीवों की श्री सदगुरु जी ने है लाज। भगवान को सदगुरु देव को ही इसकी लज्जा है। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त करके आए हैं इस धरती पर तो शुभ कर्म करो, अच्छे सदकर्म करो और भगवान का भजन करो। कलयुग में एक विशेष बात है भाई, कलयुग में यदि कम भजन करने वाला व्यक्ति भी है तो उसको जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो सतयुग त्रेता और द्वापर में नहीं होती थी वो कलयुग में यूं हो जाती है, ये विशेष बात है। स्वामी जी महाराज कहते थे सतयुग हीर कुएं में पड़ियो, कलयुग में कटोरा माए। सतयुग त्रेता में तो हीरो जो को वह है, बिन हीरा ने देखो तो वो हीरो बेरार मैन पड़ियो, वह बिन बार काटनो कितो दौरो है। बिन बात रस्सी भी छेजे बाल्टी भी छेजे मैं आदमी जाऊनाड़ो भी छेजे बहुत दौरो निकाल जे ना। लेकिन कटोरा में हीरो पड़ियो है, पानी पड़ियो और कटोरा में बार काटनो, बिन बात कहीं प्रसाद करनो, बिन तो कोई बच्चा ने भेजो तो वही निकाल दे। ठीक इन्हीं प्रकार कलयुग में भक्ति इति हो रही है, पर कोई करे तो। समस्या इन बात रही है कि लोग करे तो कम और बतावे ज्यादा। भक्ति हो कमाई तो करे जकी भाई बढ़िया बात है, कमाई करे ज्यादा और बतावे कम ना। ठीक इन्हीं प्रकार
बात आई जब भक्ति तो करे कम और बताओ भी ज्यादा, प्रचार ज्यादा करे, मोटो तिलक करीन, गलार में माला पहरीन, पशु बिशु बे नाटक करी, पशु ओम भूर भुवस्वान, पता नहीं कहीं टाइम की कहीं बोल तो रही, गुण 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 बोले आदो दूर जाने कोई इन जड़ू भगत दुनिया में कटे यही गुण। और घरों जैसे ही बाहर निकले बिन पोती ने फांसी समेट बिन पोती ने लपेट फ्री कपड़ा में रखे वो है जड़ो और जड़ो। मंदिर में जाओ तो भगवान ने मंदिर में कई गेली गेली बातें करे भगवान, भगवान के प्रभु मारी दुकान होल चाले तो तान 500 रुपया नो प्रसाद चढ़ाऊ। अब तू 500 रुपया रो प्रसाद भगवान ने चढ़ाए तने फायदो कितो छे जे 5 लाख रो, 5 लाख रुपया नो फायदो हो जाए तो प्रभु तान 500 रुपया नो प्रसाद चढ़ाऊ। अब अकेली बात है को नहीं, भगवान ने गोलियां देवे कौन देवे, क्यों बिनी आदत पड़गी गोली देव नहीं तो बस सब ने गोलियां देव तो देव तो भगवान ने गोली देवनी हरू कर दी। भगवान क्यों तू चिंता मत कर, हाँ मैंने गोली कोई आज तक ही कौन दे सको तू कहीं दे कि पर कोई बात नहीं थारे मन मर्जी कर ले। भगवान इतो इज काम करे कि बिने जीती जरूरत है इतो इज काम, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बस भगवान ने ध्यान है इन्हें तो छाती कुटो इतो इज इन पेट रो डर है भूखा मर जाऊंगा, पर आठा कोनी अरे तू चिंता मत कर थारो जिनटम जन्म हो दांत कोनी आ मुंडा में रोटी खावे जड़ो नहीं हो तो भगवान दूध भेजियो मारे इतना में दूध आऊ तो वो दूध कटू आऊ तो सा। और तो और देखो आ भगवान री लीला विचित्रता देखो भगवान री, दूध एड़ो बढ़िया आओ तो नहीं तो ठंडो नहीं गरम, अब अटे तो कहीं गरम पी जाओ मुंडो बल जाओ ठंडो पियो जो काम लाग जाओ और की नई बात भेजा, लेकिन वो दूध कितो बढ़िया और कितो बिने जितनी जरूरत हुए भी तो मीठो और जितनी बिने जरूरत हुए भी तो दूध पिए वो कटू आओ तो भगवान शीर सागर भेजता कि इन्हें दांत को नहीं इन वास्ते इन्हें दूध देनो। और जैसे ही भगवान दांत दे दिया दांत आ गया तो भगवान अंदरी व्यवस्था कर दी अब वो भोजन जीम सके है, अब इन भोजन री आवश्यकता है, अब वो दूध इनो काम नहीं चले तो भगवान भी ने दांत दे दिया। और दांत दिया तो राम जी की कृपा एड़ी बनी, दांत महंगा गणा है 2-2 लाख रुपया एक दांत है। अब बताओ कितनी मोटी संपत्ति तो मुंडा में लिया बैठा होते 2-2 लाख रुपया नो एक एक दांत वे तो 32 दांत है जने रुपया गणा हो यार सा, इतना महंगा दांत है जका ने पापो काटनो हुरु करियो जको और गुटको लेन आयो साहब ऊपर फाड़ी फूड़ी ने भी नहीं। और भाई ठीक है और वो मुंडा हर महीने ठीक ठीक कर तो चेप महीने इनके ले आ जाए यार थू जीम ले। आ संगत बिगड़ी इनके वे संगत इन बात इन संगत तुम बच जो, हाँ भगवान मनुष्य शरीर दियो बार बार नहीं मिलेला, इसलिए मनुष्य जन्म रो बहुत बढ़िया मौको मिलियो है तो करो भगवान रो भजन, और भजन कर ले वो तो जगत ने जीत ले वो। और ओ काम बुढ़ापा में कोनी वेला हो और जवानी में वेला बूढ़िया जान पूछ लीजियो कि कर ठीक हो, बोले हाँ ठीक ही जा बे, यूं क्यों बोले हाँ ठीक ही जा क्यों, बाने लारली बातें याद आवे, बाने बा चटनी याद आवे, काजू कतली याद आवे, गुलाब जामुन याद आवे, अबे जीमी जे कोनी क्यों बीमारियां घनी लागी इन बात है नी जीमी जे। बूढ़िया ने पूछनो खने जान के बुढ़ापा में राम राम करो, बुढ़ापा में की नहीं वेला हो, बुढ़ापा में टेंका करी पड़िया पड़िया क्योंकि तभी ठीक रहे कोनी राम राम कौन करी इन बात है, मरणो है रहनो नहीं जामे फिर इंसार जंदरिया बेमान कर अपनो राम संभाल, मरणो पड़ेला इन दुनिया ने छोड़ जावनी पड़ेला इन बात रो ज्ञान कर जो के वो थूको थान मुंडा महाराज मैं तुम्हारे मरान कोई ठरा थूको चाहे छींको भाई मरणो तो पड़ी है जावनो तो पड़ीज मरणो तो पड़ीज। और एक बात और है मरणो भी अपन ही पड़ेला हो यूं कोनी एक पड़ोसी मर जाए जिन अपनो बाकी मरणो कोनी यूं नहीं मरणो भी खुद नहीं पड़ेला तो ध्यान राखन सावधान वेल लाग जाओ भगवान का भजन में तो महात्मा पुरुष कियो है। राम सुमीर ले रे प्राणिया भूले मति भाई सुमीरन बिना छूटे नहीं यम द्वारे जाई, राम सुमीर ले रे प्राणिया प्राणिया
दुनिया बरमी फिरे तीरथ अरुबरता सब दुनिया बरमी फिर तीरथ अरु ऐसे पानी उसका कछु कारज नहीं सरता राम सुमिर ले रे प्राणिया तपसी त्यागी मुनि जना पंडियोड़ा पंडिता तपसी त्यागी मुनि जना पंडियोड़ा पंडिता नाव बिना काली दया सीधे उड़ता रुगड़ता राम सुमिर ले रे प्राणिया भूले मति भाई सुमिरन बिना छोटे जम द्वारे जाई राम सुमिर ले रे प्राणिया जगत भेक कण मते एको दिस जावे जगत भेक कण मते एको दिस जावे तत नाम जाना रे बिना फिर गोता खावे राम सुमिर ले रे प्राण भूले मति भाई सुमिरन बिना छूटो नहीं जम द्वारे जाई राम सुमिर ले रे भूले रे मति भाई चारे क्या है साधन सेवा चार आचार विचारे क्या है साधन सेवा सतगुरु बिना पावो निजे आत्म बेवा राम सुमिर ले रे प्राणिया साधु संगत निस दिन करे एक राम जिन जावे साधु संगत निस दिन करे एक राम जिन जावे राम दास दिन साधवा धीर में पद पावे राम सुमिर ले रे प्राणिया भूले मति भाई सुमिरन बिना छूटो नहीं जम द्वारे जाई राम सुमिर ले रे प्राणिया बोलो सतगुरुदेव भगवान की नारायण 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 बोलो राम
राम सुमिर ले रे प्राणिया भूले मत भाई, सुमिरन बिना छूटे नहीं जम द्वारे जाई। रामदास जी महाराज ने कहा है कि भगवान का भजन करने वाला ही व्यक्ति भवसागर से तर सकता है। सब दुनिया भर में फिरे तिर तुर बरता, जैसे पानी ओश का कछु कारज नहीं सरता। दुनिया पूरी भ्रमित योड़ी घूमे है, जैसे पानी ओश का, ओसरो जो को पानी वह है, बिनो किकर खेती वह सके नहीं वह सके। ठीक इन्हीं प्रकार दुनिया में जबकि अन्य उपासना है, वह बिन ओसरा पानी बराबर है। हाँ हाची बात है। अब मान लोगा ने कहीं करना पड़े, थाने लोगा ने राजी रखने बात कई कई बात यूं क्या होनी पड़े। हाची बात कही जाए कौन कह रहे नाराज भी जाला। बाकी हाचोड़ी बात थान के वे जन तो थानु सह नहीं दोरी वे, क्योंकि थाने तो अधूरू ज्ञान ठीक लगे है को नहीं। क्योंकि बात ये है, अब सच्चे जो बात कहने की कोई हिम्मत करता है तो फिर बात क्या होती पता है, फिर अकेले राम जी दो तीन बैठा रहे। वाह। तो मूल बात है आत्म राम सकल गठ भीतर जा की सुधि नहीं पाई, दुनिया भरम भूल बोराई। दुनिया देखो थे भगवान राम जी अंदर बैठा है, आत्मा परमात्मा बैठी अंदर, बिने माने कोनी और बारे जगह वही आन उपासना की घनी पूजा करी, कटे आकड़ा री डाली भी हिली इनके कही वो भूत है। अब इन्हें भूत ने मान लेवे और भगवान ने माने ही कोनी। राम जी अंदर बैठा बोले चाले जगह माने ही कोनी। थोड़ी सी की गड़बड़ वेजन देखो आप कैडी कैडी स्थिति बीते है, लोगों ने बोलना बंद हो जाए, देखनो बंद हो जाए, तो परमात्मा की लीला है तो बिना अपन स्वीकार कराई कौन। और भाटा ने मान लिया, पत्थर ने मान लिया, सारी बात है वो है अंधारो। इन वास्ते अच्छे महापुरुषों का संग करने से, उनका सत्संग करने से इस बात का खुलासा होता है, पता लगता है अपने आप का। तो सब दुनिया भर में फिरे तिर तुर बरता, कदे कटे जावे कदे कटे जावे के मारो अट कल्याण वे जाए अट कल्याण वे जाए, यूं कल्याण हो रही वे जन तो कोई जातो रहे कोई घूम ले वे नहीं, भजन करिया ही कल्याण वे, खुद भगवान रा भजन में लाग जाए जन कल्याण संभव है। तपसी त्यागी मुनि जना पड़ियोड़ा पंडिता, तपस्वी त्यागी तपस्या जगह मोटा मोटा लकड़ा रख देवे और लकड़ा ने जलावे और बिन मात बैठो रहे और बिन गर्मी रमाई ने मारा तपस्या करे, वो सिद्धि प्राप्ति करने वास्ते कई दुनिया भर रहा अपंड करे नाटक करे, कणे कणे सिद्धि मिल जावे और कणे कणे फैल वे जाए राम राम। तो तपसी त्यागी त्यागी एड़ा जका तन माते कोई कपड़ो भी नहीं राखे, केड़ा में तो त्यागी की लेवा ही कोनी, एड़ा एड़ा लोग त्यागी जो को महाराज की जिमे भी कोनी। तपस्वी त्यागी मुनि जना जो दुनिया बोले ही कोनी मौन राखे, पढ़ियोड़ा पंडिता बहुत बढ़िया पढ़िया लिखिया जका पंडित है, जका शास्त्रां रो घणो ज्ञान राखे है, लेकिन वे भी खाली ज है, क्योंकि वे भी अभिमान में ही है कि मारे जड़ो कोई दुनिया में विद्वान को नहीं। बस ओ अभिमान आएगा जन समझ लेना से जय के हैंगा वहकरो टाड़ियोड़ो मूर्ख कोई जय। तपसी त्यागी मुनि जना पड़ियोड़ा पंडिता, नाव बिना खाली रहा सिद्ध उड़ता और गड़ता, एड़ा एड़ा सिद्ध जगह आकाश में उड़े, लेकिन आकाश में उड़े बानो भी भजन बिना जीवन खाली है। कोई जगह जमीन में गड़ जावे अटू दिल्ली जावण हो तो मंत्र बोलता ही जमीन रे मैन मैन गुफा में रस्तो वे जाए सीधो दिल्ली पहुंच जाए। आकाश में उड़ी देड़ो गुटको वे एक लकड़ी रो टुकड़ो जो कान में सिद्ध कर दे मंत्रों तो बिन दांत रे बीच में पकड़ करके और मारा संकल्प करे तो जट जावण जट जाए फिर। आ सिद्धि व्यती थी महात्मा लोगों कन पहला सिद्धा कने, संत जका वे भगवान रो भजन करे और जका मुनि वेर बे सिद्ध जका वे बानो मामलो अलग ही है। सिद्धियां जकी प्राप्त करनी वे नहीं बे जकी बात अलग ही जाए। तो पढ़ियोड़ा पंडिता नाम बिना खाली रहा सिद्ध उड़ता और गड़ता, फिर जगत भेक एकण मते एको दिश जावे, जगत करे जो भेक करे भेक करे जो जगत करे जन किकर काम बाणी भाई है। अब विचार करने की बात है, दो परंपरा है ना, एक गृहस्थ परंपरा एक सन्यासी परंपरा। साधु संत जो है वो घर बार को त्याग करके सन्यासी हो गए, भगवान का भजन करे धर्म का प्रचार करे उपदेश देवे, और गृहस्थ जो है गृहस्थ में रह करके अपने धर्म का पालन करे भगवान का भजन करके और कल्याण का मार्ग अपना लेवे कल्याण का। तो वो सदगृहस्थ है वो साधु है तो अपने अपने धर्म में हो रहे तब भी शोभा है। अब थे लोग कटे जान खड़ा रह जाओ लेकिन मैं लोग रह सका गए। साधु रो जो को जीवन वे है वो बहुत महाराज इतो नाजुक है, फकीरी चलनो खांडारी धार, कायर सो चाले नहीं जावे सुरा चले एक सार,
लोग रिश्ते बिले कटे खड़ो रह जाए, दारू ठेका मात रह जाए, तो कह दे पयाण है वो जो देखो ते बट नाटक करे जाओ ती के इन आगे कहे। लेकिन साधु बट खड़ो वे को तो कि अरे राम 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 आ बात अच्छी है, कहें कितो बड़ो दुख है अपना साधु अपना सनातन धर्म राम आ बात अच्छी है कहें। साधु के नहीं कोई अपशब्द बोले कोई गालियां बोले तो थान ठीक लागे, लेकिन थे महाराज जो रामायण संपुट लगाओ जो घनी गालियां बोलो थान कोई कह ही कौन के बाप जी मैं तो बोली तू उन गाल क्यों आदत पड़ गई थान कौन कहवे कोई कहन वालों को नहीं है ना। तो साधु की एक परंपरा होती है तो साधु का मामला अलग है। तो गृहस्थ में रह करके गृहस्थी का धर्म का पालन करे। जगत वेक एकण मते एको दिस ध्यावे, तत्व नाम जाण्या बिना फिर दोनों ही गोता खावे। तत्व नाम नहीं तो गृहस्थी ने ध्यान और नहीं साधु ने ध्यान। अरे भगवान पूर्व प्रेरणाओं को कल्याण थोड़ो ही वे है, भगवान पूर्व प्रेरणाओं कल्याण वेजन तो कपड़ा दुकान दान अगला रही जे बढ़िया फोटो थान निकाल पुरान सुबह प्लेट पड़ान बैठ जाओ मोटो तिलक करन इनु कहीं भगवान मिल जाए। भगवान कौन मिले लान बे ग्राहक मिले भाई लंबा जाला कह लो सन्यासी वे गो कहीं हो है। और साधु जो कोई थाने जो जींस पैर पुरान बैठ जाए व्यासपीठ माते तो कौन माने बिन के महाराज यू कहीं करियो कहीं काम। तो दो नारी अलग बात है। तो जगत भेक एकन मते एको दिश जावे, दोनों एक दकी नहीं जावे। एक दकिन किकर जावे भगत के बाप जी मारू तो बीड़ी छूटे ही कौन के बाबा कोई बात थोड़ी कम पीजे ये तो कह परान बे महात्मा लंबाई गया। अबे लारे बहुत तो बस तो ही तो सारो मिल गो जना बो छोड़ी थोड़ो ही लेकिन नहीं पूरी पक्की बात कहे नहीं भाई ये नुकसान करने की बात है। यदि हमारी शरण आते हो हमारे से दीक्षा लेते हो तो फिर ये काम करना पड़ेगा। धूम्रपान नशा नहीं करना नहीं करना ये स्वीकार है तो आओ जन भजन कर ही नहीं जन पास थारे कोई 2100 रुपया और चादर कोई नारियल वास्ते बैठा के इनो कल्याण वेजन तो कोई कर लेवे नहीं। खरी खरी बात कहनी दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रे पास में कोई आवता के बाप जी मैं तो थानो चेलो बनू के बहुत बढ़िया भाई चेलो बनी फची बन ले जीती जल्दी कहीं करे राम राम कर थोड़ा दिन नहीं बाप जी मैंने तो संन्यास लेवनो बोले संन्यास लेनो जन यूं कर राम राम कर थोड़ा दिन बिन खेड़ी नीचे जा प्रोबटीन बैठ जा सबने अलग 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 बिठा देता राम राम कर तो 2-3 घंटा कर तो कड़ी हटीन देख तो कड़ी हटीन देख तो मन लागे यूं राम राम मन ने तो बिगाड़ बांदरों करियो बैठा हो और फच के मन लाग जाए मन की कर लागे मन ने तड़ोक मन ने तो याद आई थोड़ी होटल में हाल हाथ रोटी जी में बोला मोगी मन रे लारे लारे मन तो हाउ तो कह शरीर तो मोटो पाड़ो वे जोड़ो तो बिना हाथ खेचन ले गयो बताओ कितो ताकत वालो मन है। अब मन ने बड़ ले गो मन तो हुगो मजबूत हाँ आज तुम आकी हो जूं जूं करियो फच के आज अटको ने बस बारह हालनो पड़ी कटी घूमन हालो 2-3 दिन फेर गयो फरो फिर मन ने जजे आ तो खीर जीमणी आ चटनी जीमणी आज काजू कतली जीमणी ए मन ने हगड़ा जिमावतो रियो जिमावतो रियो मन बणगो शैतान। अब मन माने अब मन ने कहे अब थन की नहीं जीवन हो तो तू चुपचाप बैठ जा राम राम कर मन एक जगह टिके ही कौन क्यों बिनी आदत बिगड़ गई। इन वास्ते इन मनी राम ने सुधारो इन मनी राम ने सत्संग में लगाड़ो राखो सुधर जाई निहाल वे जाओ। अब 2-4 घंटा बैठ तो और फिर कहो तो बाप जी मारो मन कौन लागे बोले हाँ भाई मन कटू लागे पचे हाल तो मन मात प्रभाव है। और जको अपा अन्न जीमा नहीं जका अंदरों अपाने 24 घंटा तक बिन अंदरों प्रभाव रहे जीवन में मन माते 24 घंटा तक प्रभाव रहे। इन वास जीवनों बड़ो ध्यान रखनो हरेक टी नहीं जीवनो बारे होटला में जान नहीं जीवनो हरेक जगह रो पानी नहीं पीणो हरेक हाथ रो पानी नहीं पीणो कई हुगला लोग जगह अड़ा वे मुंडा में हाथ गाल दई कहीं गुटका में गाल दई कि हम थाने अकेला ने क्यों नहीं मारी हिम्मत कौन वे लेकिन मैं एक मात बोल जाऊँ मन डर नहीं लगे था हाँ अकेला ने कही जो कौन केड़ा केड़ा लोग है महाराज बाथरूम जाओ जो हाथ ही कौन दो है गुटकारी जो कि मैंने रख के जो कटी गाड़ी खड़ी करी और बिन फाड़न कहूँ लाग जाए कटी एडा गेला गेला जलमियोड़ा है फच के महाराज कहीं करें लक्ष्मी मान घरे रहे को नहीं लक्ष्मी रा कर्म फूट गया जो वटान रही वाह है भगवान रहे को बाप जी कोई आवे को नहीं कोई संत आवे कोई सज्जन आवे पवित्रता राखनी शुद्धता राखनी आ चीजों बहुत दूर रहनो दुर्व्यसना हूँ। अरे जमानो कट पहुंचो है अभी इतना कोई अज्ञान नहीं थोड़ा ही पहला तो कोई बात नहीं 50-60 साल पहला तो ज्ञान को नहीं हुई तो आजकल तो थाने गूगल बाबू हाजिर है ज्यों पूछो ज्यों कह देवे मोबाइल ठीक राम ज्यों चाहिए ज्यों मिले नहीं तो जन देख लो किनो किनो कहीं कहीं जो को नुकसान है किनो कहीं कहीं लाभ है जिन हिसाब में जीवन बनाओ तो ही ठीक ही जे लेकिन एडो जीवन नहीं बना पा रहा हाँ और बहुत तेज गति महाराज पतन भी और जा रहा आ बात ठीक नहीं है। इन वास्ते शुद्धता राखो पवित्रता राखो और पचे बोई झूठो हाथ बोई कुटकारो हाथ बोई सिगरेट रो बीड़ी रो हाथ बोई तम्बाकू रो हाथ जान महाराज ने प्रणाम कर बाप जी तान तलेम करूँ कर दिया तलेम भेगा पूरा तलेम भाई रे और फिर तलेम वालों का कहीं लपड़ो राम जी जाने हैं दोनों हाथों प्रणाम करे को नहीं एक हाथों प्रणाम करे तो
यह संस्कृति ने धीरे धीरे भूल रहा आ बहुत बड़ी भूल है, गलती है। तो ज्यों साधु करे ज्यों भेद करे, ज्यों जगत करे जगत करे ज्यों भेद करे, ओ नहीं करनो। जगत भेक एकण मते एको दिश ध्यावे, तत्व नाम जाने बिना फिर गोता खावे। थाने तो कोई छोटी बात भी कोई पूछ लेवे नहीं तो बिनो जान जवाब नहीं आ सके। भले पटियोड़ा हो भले हैंग समझदार हो, लेकिन तत्व ज्ञान संबंधी कोई बात पूछ लेवे तो कहीं ठाई को नहीं पड़े, क्योंकि सत्संग करो को नहीं बात है। और सत्संग करियोड़ा हाचा अनपढ़ आदमी है, जगह सत्संग करे बाने सब ध्यान है। हैंग बात रो एकदम अच्छे से ज्ञान करियो, इन वास्ते लंबे समय तक सत्संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, महाभारत पढ़ो, जो ग्रंथ आपको अच्छा लगता है उस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है और बूढ़ा जगह 50 सालों ऊपर वेगा होनी जगह ने तो ये काम करना चाहिए, योग वशिष्ठ पढ़नो। योग वशिष्ठ में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, जीनेरी और मरनेरी कला जकी है भाई योग वशिष्ठ प्राप्त हुए। सब दुनिया पूरा मोह जो है ममता मोह आसक्ति छूट जावे और भगवान का भजन में लाग जावे, ऐसा काम करना। फिर का क्या आचार क्या विचार है क्या साधन सेवा, सदगुरु बिना पावे नहीं निज आत्म भेवा। कोई आचार विचार है ही को नहीं, लोग आचार विचार में इतना ढीला पड़ गया है पूछो ही मती। पहला जो है पुत्र अपना पिताजी रे सामो देख तो नहीं, तो आंख आंख मिला, नजर मिला, दृष्टि मिला, बात को नहीं करतो, नीचे देखतो। और आजकल रे औलादा हम ही बोले नहीं, बोले कौन बोले, डरनो पड़े। हाँ इन बात माने स्वामी जी एक बात क्या होता, बोले बच्चों जो को जन्म हो 5 साल रो वे जाए जिते भी ने बहुत लाड प्यार दो, 5 10 साल रो वे जावे जिते भी ने बहुत एकदम अच्छे से समझानो करनो कि नहीं बेटा गलती नहीं करनी, बो नहीं करनी। 10 साल 15 साल रो वे जाए जने थप्पड़ मार देनी, जाके गलती क्यों करिया, ठीक है। तो फिर वो बच्चों डरतो रहे, 15 साल 20 साल रो वे जावे जिते भी ने आँख बतानी पछ मारनो नहीं, कोई काम करे कोई गलती करे तो आँख दिखानी ताकि वो बिन भेसू वो काम नहीं करे, आ परंपरा है। 20 साल रोवे जावे पज आंख भी नहीं बतावनी, क्यों, बोले पज फाची बताए दे वाला था ना आंख, इन वास्ते भी ना आंख नहीं बतावनी। पचे भी ने दोस्त रे साथ किकर बैठे ज्यो बैठ परो हम जानो बेटा अब अपन प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदनो, गाड़ी खरीदनी है, दुकान में काम करनो, ओ काम करनो, मित्र रे साथ व्यवहार करे एडो करनो 25 साल तक, और ब्याह हो जावे पज भी ने काम धंधो संभला करके और अपने भगवान भजन करने लाग जानो। और तो वेणो तो दोरो ये पण फिर भी कोशिश कर जो बुढ़ापा में भगवान रो खूब भजन करनो। तो आ दुनियारी जकी रीति है रिवाज है ओ जो को काम वह नहीं रही, बुढ़ापो आवेला जर्जर अवस्था भी आवेला और हैंग काम वेला, संसार धक्का भी खावना पड़ेला, इन बात बीणो पहला ही भगवान रो भजन करनो शुरू कर देनो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज बड़ो जगदीश जी भाव हो क्यों बाप जी सत्संग राखने काफ़ी दिन हूँ क्या था जन बढ़िया सत्संग रो मौको भी मिल गयो, थानो सबो मिलने रो भी मौको मिल गयो, और 10-15 साल हूँ इन रेडियो में मिलने रो मौको पाछो मिल गयो, हैंग मौका ही मौका है। और मौको मिलियो छोको दुनिया देला धोको, इन बात राम भजनो गुणो छोको, ठीक है। तब एक दौर हो रो एक और कह देंगे कथा करनी जो गड़ो दुखन लाग जाए तो पे काम बने को नहीं आवड़। एक भजन कह दूं और पचा पा बोलने विराम देवा। बोलो सतगुरु देव भगवान की जय। बोले मेरे सतगुरु अमृत बाणी, बोले मेरे सतगुरु अमृत बाणी, दारा दूध पानी रा पानी, दूधारा दूध पानी रा, बोले मेरे सतगुरु अमृत बाणी, बोले मेरे सतगुरु अमृत,
बन में घर नहीं चैन नहीं बन में लागी मारे चोट संबंध की तन में लागी मारे चोट संबंध की तन में मारा सतगुरु अमृत बोले मेरा सतगुरु अमृत कबीर सुनो भाई साधो हेत कबीर सुनो भाई साधो घट ही माय मिलाया कंता हो घट ही माय मिलाया कंता बोले मेरे सतगुरु सतगुरु अमृत पूरा दूध पानी रा पानी पूरा दूध पानी बोले मेरे सतगुरु अमृत बोले मेरे सतगुरु अमृत बोले सतगुरुदेव भगवान बोले मेरे सदगुरु अमृत बाणी दूधा रा दूध पानी रा पानी। तो भगवान की कृपा से सत्संग घड़ी में आधी घड़ी आधी में पुण्या तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो थोड़ा सत्संग भी हमारे जीवन में जो होता है बहुत लाभदायक होता है, जीवन में धारण करना और भगवान का भजन करना। तो अब टाइम काफी हो गया है, 11:30 बज गई, ठीक है। हाँ अब हाँ और क्या, क्योंकि दूर से सब लोग, हाँ तो